हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश यूनिट 9 पार्ट 1 फ्लाइंग मीन। फ्लाई मीन्स उड़ना। फ्लाइंग मीन एक उड़ने वाला एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक पोयम है छोटी सी। तो इस पोयम में क्या है, इस पोएम में एक जो फ्लाइंग मैन है आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो वो कहाँ कहाँ घूमता है, तो वो आसमान में घूमता है, पर्वतों पर, समुद्र के ऊपर घूमता है। और एक छोटा सा बच्चा उनको कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो एक छोटे जो फ्लाइंग मैन है आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को कह रहा है। तो इस पोएम में ये है, तो आप देख सकते हो पिक्चर जो छोटी पोएम है उसके बाजू में एक छोटा सा पिक्चर है, एक फ्लाइंग मैन है FM करके उसके ऊपर लिखा है और छोटा सा बच्चा उसको कह रहा है कि जी आप अपने साथ ला सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 10, पेज नंबर ओपन करो 110। रीड द पोयम अलाउड। आपको पोयम रीड करनी है जोर से बोल। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, flying so high over the mountains and over the sea. Flying man, cannot you take me? इस पोएम में क्या है तो हम आपको समझाएंगे। Flying man, flying means उड़ना, उड़वू हम उसको गुजराती में बोलेंगे उड़वू, उसका मीनिंग लिखेंगे। फ्लाइंग मैन किसको कहते हैं, तो फ्लाइंग मैन आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को कहते हैं फ्लाइंग मैन। अप इन द स्काई, अप ऊपर, इन द स्काई आसमान के अंदर, स्काई आसमान। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को कह रहा है अप इन द स्काई आसमान में उड़ने वाले। वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, एक छोटा बच्चा है वो फ्लाइंग मैन को कहता है कि वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, आप कहाँ जा रहे हो इतनी ऊंची उड़ान भर के। High means ऊंची। High का मीनिंग क्या आएगा, ऊंची। क्या कह रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो इतनी ऊंची उड़ान भर के, आप कहाँ जा रहे हो। कौन बोल रहा है, एक नन्हा सा छोटा लिटल बच्चा एक फ्लाइंग मैन को बोल रहा है। तो फ्लाइंग मैन क्या आंसर देता है बच्चे को, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, पहाड़ों और समुद्र के ऊपर। माउंटेन मीन्स पर्वत, पहाड़, माउंटेन्स पहाड़ों, पर्वतों, तो माउंटेन्स का मीनिंग लिखेंगे। माउंटेन पर्वत, तो माउंटेन्स एस आई
तो इसके पीछे आएंगे पर्वतों, माउंटेन। फिर सी, सी मीन्स समुद्र। सी मीन्स समुद्र। तो जो फ्लाइंग मैन है वो बच्चे को क्या आंसर दे रहा है, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, पहाड़ों और समुद्र के ऊपर। इतनी ऊंची उड़ान भर के तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो फ्लाइंग मैन है वो कह रहा है कि पहाड़ों और समुद्र के ऊपर। फ्लाइंग एंड फ्लाइंग मैन, आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति, आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति। कैन नॉट यू टेक मी, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कौन बोल रहा है, विचार कर रहा है, जो फ्लाइंग मैन है उसको कह रहा है, कैन नॉट यू टेक मी, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। टेक मीन्स उसके साथ ले जाना, तो टेक का मीनिंग हम गुजराती में क्या लिखेंगे, ले जाओ। टेक मीन्स ले जाओ। तो फिर से यहाँ पर आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। रीड द पोएम अलाउड, जो पोएम है उसको जोर से बोलना है और एक बार रिपीट करना है। फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति, आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति। अप इन द स्काई, कहा आसमान में उड़ने वाले। वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, कौन बोल रहा है, एक छोटा बच्चा जो फ्लाइंग मैन है उसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, आप कहाँ जा रहे हो इतनी ऊंची उड़ान भर के, आप कहाँ जा रहे हो इतनी ऊंची उड़ान भर के। फिर जो फ्लाइंग मैन है वो छोटे बच्चे को आंसर देता है, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, पहाड़ों और समुद्र के ऊपर। फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति, आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति। कैन नॉट यू टेक मी, क्या तुम फिर से, जो छोटा बच्चा है फ्लिंग फ्लाइंग, फिर से फ्लाइंग मैन को विचन करता है, कैन नॉट यू टेक मी, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो, उसको ये कह रहा है। तो इस पोएम में ये है। तो बच्चों आपने फ्लाइंग मैन टीवी में भी देखा होगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको बोलते हैं फ्लाइंग मैन। तो ये फ्लाइंग मैन है जो आसमान में उड़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं फ्लाइंग मैन। न्यू वर्ड्स, उसके नीचे न्यू वर्ड्स है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्लाइंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, उसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे, उड़वू। हाई, ऊंचा, तो हम उसको गुजराती में बोलेंगे ऊंचू। मैन, मैन मीन्स मानस। माउंटेन, उसको क्या बोलेंगे हम, पहाड़, गुजराती में क्या बोलेंगे, पर्वत। माउंटेन्स सिंगुलर हुआ, सॉरी प्लूरल हुआ। बहुत सारे पहाड़ों की बात की गई है, तो यहाँ पर माउंटेन्स पहाड़ों, तो एस लगाएंगे तो पर्वत की जगह पर्वत हो जाएगा। सी मीन्स समुद्र। टेक मीन्स ले जाना, इसको गुजराती हम बोलेंगे ले जाओ। लेट्स रीड, उसके नीचे रीड करना। द माउंटेन्स आर हाई,
पहाड़ है वो ऊंचे है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, जो बर्ड्स है जो पक्षी है वो आसमान के अंदर उड़ रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये जो वर्ड्स मैंने लिखा है आपको वो आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर 111 रीडिंग इज फन क्वेश्चन है, वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो, उड़ने वाला व्यक्ति कहाँ जा रहा है, फ्लाइंग मैन कहाँ जा रहा है, तो फ्लाइंग मैन आसमान के अंदर उड़ने जा रहा है। कहाँ का, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। तो फर्स्ट का हम आंसर लिखेंगे फर्स्ट का आंसर है, द फ्लाइंग मैन गोज अप इन द स्काई। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड वेंट टू डू, बच्चा क्या करना चाहता था। तो बच्चा जो है वो फ्लाइंग मैन के साथ उड़ना चाहता था। तो सेकंड का आंसर लिख लिया, सेकंड का आंसर है, द चाइल्ड वेंट टू गो अलोंग विद द फ्लाइंग मैन, बच्चा जो है फ्लाइंग मैन के साथ उड़ना चाहता था। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर लिख दो। इसे आपको समझा देता हूँ, जो क्वेश्चन, वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो, उड़ने वाले व्यक्ति कहाँ जा रहा था, तो आसमान के ऊपर। दूसरा भी उसका आंसर लिख सकते हो, इसके अलावा भी द फ्लाइंग मैन गोज टू ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, ये भी आप आंसर लिख सकते हो। सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड वेंट टू, बच्चा क्या करना चाहता था, तो बच्चा फ्लाइंग मैन के साथ आसमान में उड़ना चाहता था। द चाइल्ड वेंट टू गो अलोंग विद द फ्लाइंग मैन, तो ये आंसर लिख दिए हो गया पे। उसके बाद नेक्स्ट तो कैन यू गाइस हु द फ्लाइंग मैन इज, कल्पना करो कि
इनमें से जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन फ्लाइंग मैन है, चूज योर आंसर, आपको उसके आंसर चॉइस करने हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, द फ्लाइंग मैन है एक सुपरमैन है। द फ्लाइंग मैन इज पायलट, पायलट किसे कहा जाता है, जो एरोप्लेन फिर हेलीकॉप्टर वगैरह चलाता है, उड़ाता है, सॉरी उड़ाता है, उसको बोलते हैं पायलट। द फ्लाइंग मैन इज एन एस्ट्रोनॉट, मीन्स अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री, उसको बोलते हैं, चलाने वाले को हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। द फ्लाइंग मैन इज बैटमैन, फ्लाइंग मैन एक बैटमैन है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर लिखेंगे आपको टिक मार्क करना है और उसका आंसर भी आपको लिखना है। फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ टॉक अबाउट हिम, अब जो सुपरमैन है उसके बारे में आपको लिखना है। तो सेकंड का आंसर हम लिखेंगे सुपरमैन, ही इज अ रियल हीरो, ही इज एवरी ब्रेव एंड कोरिजियस, एक जो फ्लाइंग मैन है वो एक सुपरमैन है, वो एक रियल हीरो है और वो बहादुर और साहसिक लीडर है। तो सेकंड का आंसर आप लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पोएम समझा दी गई, फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए वो सॉल्व करवा दिए, जो आखिर की जो एक्सरसाइज है वो हम उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।